हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बहुत ही दिनों बाद आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, और कुछ दिनों से हमारा जो व्लॉग है वो बीच में ही छूट गया था। और अभी जो मैं हूँ बाहर हूँ, मैं पापा के साथ आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज व्लॉग बना लिया जाए। तो रीज़न जो था मेरे व्लॉग ना बनाने का इतने दिनों से, वो था यार मेरी तबीयत। और तबीयत की वजह से जो मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था, वो मैं अब कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि यार अभी मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। और गाइस यार पता नहीं क्या हो गया था, थोड़ा पहले मेरे को बुखार चढ़ा और उसके बाद जो है मेरा पेट वेट ख़राब हो गया था, तो बहुत ही टेंशन था यार। फिर उसके बाद मेरे को जाना भी पड़ा था हॉस्पिटल, हॉस्पिटल तक पहुंच गया था, इंजेक्शन भी लगवाया था। मेरे को बहुत ही डर लगता है इंजेक्शन से, आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा मैं इंजेक्शन लगवा के आया था, तो मेरी हालत ख़राब, मेरे को चक्कर आ गया था। पर हाँ, तब भी मेरा पेट और ना मेरी तबीयत ठीक हुई थी। अब जो था फिर उसके बाद हम लोग रात को करीब, मेरे को लूज़ मोशन भी बहुत हो रहा था, 11 बजे करीब पापा और मैं सब हम लोग गए हॉस्पिटल सेक्टर 9। और सेक्टर 9 में हम लोग जाके वहाँ पे फिर अपना जो है मेरा चेकअप हुआ, और फिर मेरे को जो है वहाँ पे ग्लूकोज चढ़ा था, ग्लूकोज वगैरह। और यार उस टाइम मेरे हाथ में इंजेक्शन लगा था, तो मेरे को उस टाइम डर नहीं लगा ज़्यादा, मैं चल गया यार देखा जाएगा, अभी तो ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और आपके साथ वीडियो बनाना। तो अब मैं जो थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ क्लिप भी दिखा दूंगा अपने हॉस्पिटल का, जो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर लिया जाए, आप तो मेरी फैमिली जैसे ही हो। तो मैंने भी अपने लिए थोड़ा सा क्लिप और थोड़ी सी फोटोज रखी और आपको दिखा देता हूँ मैं, आगे देख लो एक बार वीडियो में। गाइस तो अभी मैं हूँ हॉस्पिटल में, और ये देखो यहाँ पे मम्मी पापा पर्ची कटवा रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ चेयर पे रेस्ट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको अपनी हालत नहीं बता सकता, लेकिन इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा और आगे आप देख लेना वो वीडियो। गाइस अभी तो मेरा जो इलाज होता है वो देखा जाता है क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ गाइस, और ये देखो मेरा हालत भी थोड़ी ख़राब थी उस टाइम, ग्लूकोज चढ़ा हुआ है मेरे को, और यहाँ पे देख सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ कि ग्लूकोज देख लो, और भी बॉटल 4 बॉटल करीब मेरे को चढ़ी है, स्टार्टिंग था मेरे ग्लूकोज का। और जो बाजू आप बॉटल देख पा रहे हो ये भी सब चढ़ गई, 4 बॉटल करीब चढ़ा है। आपने देखा मैं बेड पे लेटा था और मेरे को चढ़ा था ग्लूकोज वगैरह, अब जो है थोड़ा ठीक हूँ मैं और मेरे को थोड़ा बढ़िया लग रहा है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना घर से बाहर निकला जाए। घर में बैठे बैठे मेरे को करीब 2 हफ्ते हो गए थे, और 2 हफ्ते से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, पर फिर भी मैं थोड़ा जो हूँ वीडियो बना रहा था पहले। और लास्ट जो मेरा जो डेली ब्लॉग का जो चैलेंज था यार, डेली ब्लॉग का चैलेंज सबसे बड़ी बात की वो छूट गया है, और गैप हो गया हमारे डेली ब्लॉग में, गैप आ गया। अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यार मैं थोड़ी ना पास में जाके मतलब ठीक कर सकता हूँ, पर हाँ यार गैप आ चुका है हमारे डेली ब्लॉग में, और ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए, और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि यार क्यों ये गैप आया है। और यार गैप नहीं आना चाहिए था, ना मेरे को छूटना चाहिए था डेली ब्लॉग का, एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए था, पर फिर भी मैं जो हूँ ना, मैं अपने आप अंदर से मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था, और मैं ना वीडियो बना पा रहा था, ना कैमरा के सामने बोल पा रहा था, ना बोलना चाह रहा था यार, क्योंकि यार मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा था। अब मैं क्या बताऊँ आपको यार, ऐसी तबीयत ख़राब हुई थी मेरी दोस्तों, पर जो अभी जो है मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, और मैं बाहर आया हूँ क्योंकि थोड़ी खुली हवा और साफ हवा भी चाहिए हमको। तो मैं यहाँ पार्क के पास अच्छी ऑक्सीजन जोन के पास खड़ा हूँ, और मस्त लग रहा है अभी जो मेरा हालत है और मेरी तबीयत है वो भी ठीक हो गई है। और अब मैं आपके साथ अपनी डेली व्लॉग और डेली रूटीन को शेयर कर सकता हूँ। गाइस प्लीज़ यार बुरा मत मानना जो मेरा डेली व्लॉग का चैलेंज छूट गया, तो यार जो क्या है ना मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो गया था इस चीज़ का कि हाँ यार मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे, कुछ नहीं हो रहा, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो, पर इसलिए थोड़ा माइंड में मेरे स्ट्रेस भी आ गया था, और मैं थोड़ा कोशिश कर रहा था कि हाँ मेरे जैसे तैसे सब्सक्राइबर बढ़े, पर बढ़ ही नहीं रहे थे, ना मेरे वीडियो में व्यू आ रहा था अच्छा। तो थोड़ा सा क्या है ना, जो स्ट्रेस स्टार्टिंग में जो चढ़ जाता है स्ट्रेस, उस टाइप का मेरे को हो गया था, स्ट्रेस भी आ गया था, इसलिए बुखार तबीयत सब ख़राब हो गया था। तो हाँ, पर अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ और स्ट्रेस को मैंने कम कर लिया है। मैंने सोचा क्यों ना यार आपके लिए वीडियो बनाते जाऊँ, और जिस टाइम बढ़ना होगा उस टाइम बढ़ेगा, और हाँ यार आप भी हमारी मदद करोगे, एक दिन ना एक दिन तो आएगा ही कि हम भी छा जाएंगे, बड़ा यूट्यूबर बनूंगा मैं भी, और मस्त एक नंबर व्लॉगर बनने वाला हूँ मैं,
बहुत ही जल्द छा जाएंगे हम लोग आप सभी के साथ और आप सभी के सामने, क्योंकि यार कोशिश और मेहनत कभी नहीं छूटनी चाहिए इंसान की। और जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से, मेरे हिसाब से कि हाँ यार मैं ठीक कर रहा हूँ, पर अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा जो पसीना खून पसीना नज़र आता है, तो यार प्लीज़ 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 चैनल को कर दो सब्सक्राइब और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दोगे और थोड़ा सा प्यार दोगे तो क्या जाता है, किसी का कुछ नहीं जाता। आपको बस अपनी उंगली से बस बटन दबाना है रेड वाला सब्सक्राइब का, और बस फिर खो जाना है और मेरी फैमिली में जुड़ जाना है। तो बस इतना छोटा सा काम है गाइस, ये काम करने के लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। मेहनत तो बस मेरे को ही करना है, आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाना है और बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नज़ारे और सुंदर सुंदर आवाज़ मेरी मस्त वीडियोस आपके दिखाने हैं और आपके साथ पहुंचानी है। तो बस आपको क्या करना है कि यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियो को लाइक करके जाना है, और सारे वीडियो देखिए अच्छा लगेगा पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार मेरी बहुत मेहनत लगी है अभी तक के, मैंने बहुत टाइम से चैनल को चला रहा हूँ और डेली व्लॉग करते आ रहा हूँ, पर यार बीच में मेरा डेली व्लॉग छूट गया क्योंकि यार डिप्रेशन मेरा सब प्रेशर पूरा पड़ रहा था मेरे माइंड पे कि हाँ यार हाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ इतनी कोशिश कर रहा हूँ तब भी ना मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं ना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मेरी मेहनत करने का क्या फल मेरे को मिल रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ और अच्छा मैं क्या करूँ, ये सब मैं सोचे जा रहा था। पर हाँ मैंने सोचा कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी तो हो बैठे हो यहाँ पे मेरे साथ और मेरी मदद करोगे ही। जो मेरी YouTube की फैमिली है वो इतनी कमज़ोर नहीं है और ना ही इतनी छोटी है कि छोटे दिल की है जो कि मेरे को सपोर्ट नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करेगी। और हाँ आप प्लीज़ मुझे दिल से प्यार दीजिए और दिल से ज़्यादा थैंक यू आप सभी को कि हाँ यार आप सभी मेरे साथ हो और अभी भी आप मेरे को साथ दोगे, ये मेरे को यकीन है, मुझे खुद पे यकीन है आप पे यकीन है कि हाँ बढ़ सकता हूँ मैं आगे जा सकता हूँ और आप मेरे साथ जो हो हमेशा रहोगे और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करोगे मेरी फैमिली बनके। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। तो प्लीज़ अगर आप मुझे देखना पसंद करते हैं और मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ ज़रा सा सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बाद जो घंटे का बटन आएगा उसको भी दबा दीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक के पहुंच जाए। और हाँ यार आज से मैं अपनी डेली व्लॉगिंग भी कंप्लीट स्टार्ट करने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, सी यू, और प्लीज़ स्टे सेफ।